हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेवंथ क्लास, बेटा जी पास रिवीजन टेस्ट 2020 का जिहड़ा सल्यूशन है वो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रही हाँ। तुहानू जिद्दां कि पता है कल तुहाडा जिहड़ा है 1 नवंबर नू जिहड़ा है वो तुहाडा पास का जिहड़ा टेस्ट आना सी, पर वह फ्राइडे नू ही आ गया। सो बेटा जी वो पहले 5 क्वेश्चन एज यूजुअल जिदा अगे मैथ्स के होंगे सी उदा ही सी। तो मैं तुहाडे नाल डिस्कस करन जा रही हाँ जी साइंस का क्वेश्चन जिहड़ा कि 6वां क्वेश्चन सी। रोहित दी माता हीटर ते खाना बना रही है सी। रोहित ने वेख्या कि हीटर दी कोयल जिस नू एलीमेंट कहा जाता है बहुत गर्म हो चुकी है। वो हैरान सी कि बिजली नाल चल रहे हीटर दी कोयल इन्नी गर्म किवें हो रही है, कि तुसी दस सकते हो कि ये क्यों होया। वाइल रोहित मदर वॉज कुकिंग ऑन द हीटर, रोहित नोटिस दैट द कोयल ऑफ द हीटर कॉल्ड एलीमेंट वॉज वेरी हॉट। ही वंडर्ड हाउ द कॉयल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर गॉट सो हॉट, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन। बेटा जी तुहानू पता है कि हीटर की जिहड़ी कॉयल हुंदी है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है जो हीटर देर लई चलता है। बेटा जी क्यों हुंदा इदां? बिकॉज जिहड़ी बिजली तारा है वो हीटर चो वहिंदी है वो किते इफेक्ट करके हुंदी है, बिजली के चुंबकी करके, बिजली के तापन प्रभाव करके, गर्म मौसम करके, कि उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो बेटा जी तुहानू सब नू पता है कि बिजली तापन प्रभाव की हीटर एक एग्जाम्पल है जिथे बिजली का तापन प्रभाव जिहड़ा है वो नज़र आता है। इहदा मतलब साडी सेकेंड ऑप्शन जिहड़ी है वो सही सी, बिजली का तापन प्रभाव। ठीक है जी, एक हाई रजिस्टेंस का करंट जिहड़ी हुंदी है अलॉय लगा हुंदा है जिहदे नाल एलीमेंट बनिया हुंदा है। ठीक है चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। आप अध्यापक ग्राउंड विच विद्यार्थियों नू बैठा के पेपर लै रहे सन। सूरज की धुप कारण जो रोहित नू गर्मी लगन लगी तो उसने सोचा कि सूरज तो धरती तक ये गर्मी बिना किसी माध्यम तो किस विधि राही पहुँची होवेगी। टीचर वर टेकिंग टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्राउंड व्हेन द रोहित स्टार्टेड फीलिंग हॉट ड्यू टू द सनशाइन एंड ही थॉट दैट बाय वट मीन्स दिस हीट वुड हैव रीच फ्रॉम सन टू द अर्थ विदाउट एनी मीडियम। तो बेटा जी चालन विधि राय ड्यू टू कंडक्शन, संवहन विधि राय ड्यू टू दैट यूअर कन्वैक्शन, विकर्ण विधि राय ड्यू टू यूअर रेडिएशन, और उपरोक्त विचों कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स मैं तुहानू एक गल दसदा, जिहड़ी विकरण विधि है यानी रेडिएशन विधि है उहदे करके जिहड़ी बिजली है वो सॉरी उहदे करके जिहड़ी रेडिएशनस है उह धरती तक पहुँचदियां ने, ये बिना किसी माध्यम के प्रभाव के ना होण करके भी जिहड़ा ताप है वह स्थानांतर हो जाता है, जिसनों आपां कहिंदे ड्यू टू रेडिएशन जां विकरण दे राही जिहड़ी बिजली है वह थले सॉरी जिहड़ी रेडिएशन है वह थले पहुँची है। ठीक है जी, इसलिए ताप जिहड़ा है ईजली स्थानांतर हो सकता है सिर्फ ड्यू टू रेडिएशन तो। चलो जी 8वें क्वेश्चन की गल करिए। विशाल ने वेख्या कि ऊन बनाने लई भेड़ा दे वाल कट्टे जा रहे हैं जो कि बहुत गंदे सी, पर उसनू ये हैरानी सी कि जदों उसके माता ऊन खरीद के लियाए तो बिल्कुल साफ सी। उसने अपने अध्यापक नू पूछा कि ऊन इन्नी साफ किवें हुई। विशाल नोटिस दैट फॉर मेकिंग वूल हेयर्स आर बीइंग कट फ्रॉम शीप विच आर वेरी डर्टी, बट वैन दिस हिज मदर ब्रॉट वूल इट इज़ वेरी क्लीन। ही आस्क हिज टीचर हाउ द वूल बिकम सो क्लीन। बेटा जी रीलिंग करके, अभिमार्जन करके, कटाई करके, उपरोक्त विचों कोई नहीं। रीलिंग, स्कोरिंग, कटिंग, बेटा जी जिहड़ा अभिमार्जन का प्रोसीजर है ना उहदे करके जिहड़ी ऊन की सारी गंदगी है वह की हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिहड़े चमड़ी तो उतारे गए वाल है वो टैंकियां विच पा के चंगी तरह धो लेंदे ने, तो उस विधि नूं आपां अभिमार्जन विधि कहिंदे हाँ। 9वां क्वेश्चन, प्रिया की सेहत खराब होण ते उसका भरा उसनूं डॉक्टर कोल लै गया। डॉक्टर ने प्रिया की कलाई कोल अपने हाथ दीआं उंगलां लगा के कुछ महसूस किया। प्रिया के भरा ने डॉक्टर नूं पुछया कि तुसीं इह कलाई कोल की महसूस किया। ड्यू टू बैड हैल्थ ऑफ प्रियाज ब्रदर टुक हर टू डॉक्टर, डॉक्टर प्लेस्ड हिज फिंगर अराउंड हर रेस्ट एंड नोटिस समथिंग। प्रियाज ब्रदर आस्क डॉक्टर व्हाट ही नोटिस नियर द रिस्ट। जब प्रिया की तबीयत खराब हुई तो उसका भाई उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने प्रिया की कलाई पर अपने हाथ की उंगली रखकर कुछ महसूस किया। प्रिया के भाई ने डॉक्टर से पूछा कि आपने कलाई के पास क्या महसूस किया। नब्ज, पल्स, धड़कन, बुखार के उपरोक्त विचों कोई नहीं। बेटा जी कलाई दे कोल साडी की महसूस करदे हां असीं? नब्ज। की महसूस करते हैं? नब्ज। ये जड़ियाँ धमनियों वह रहे खून कारण होंगी है,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਮਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਧੱਕ ਧੱਕ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਦਸਵਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ। ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਡਿਸਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 7 ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 7 ਰੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਯੰਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਵਾਇਲ ਪਰਫੋਰਮਿੰਗ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਬਰੋਟ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਡਿਸਕ ਵਿਦ 7 ਕਲਰਸ ਔਨ ਇਟ। ਵੈਨ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਰੋਟੇਟਿਡ, ਵਾਈਟ ਅਪੀਅਰਡ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ 7 ਕਲਰਸ। ਕੈਨ ਯੂ ਨੇਮ ਦਿਸ ਡਿਵਾਈਸ? ਬੇਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਊਟਨ ਡਿਸਕ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਪਾਸ ਦਾ ਰਿਵੀਜ਼ਨ, ਹੋਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ, ਗੁੱਡ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।